नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हर वीडियो में नए नए जड़ी बूटी, नए नए पेड़ पौधे आपके सामने समक्ष रखते हैं और उसके बारे में विशेष रूप से आप लोग को औषधि गुणों के बारे में परिचय कराते हैं। तो दोस्तों, आज इसी संदर्भ में आज जड़ी बूटी की खोज करते करते मुझे एक पौधा मिल गया जो कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। इस पौधे को आपने देखा भी होगा, अगर आप गांव घर गए होंगे तो आप बहुत सारे खेत खलियान बगीचे में यह पौधा आपको देखने को मिल गया होगा। यह एक खरपतवार के रूप में खेत में उगता है और किसान बहुत सारे किसान इसको नोच करके फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह पौधा बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटी है। आप इसको अच्छी तरह से पहले पहचान कर लीजिए, देख लीजिए। इसके डंठल होते हैं और इसमें गोल गोल गुम्बद जैसा गुच्छे लगे हुए रहते हैं और ये झाड़ीनुमा पौधा होता है और 1 से 1.5 फीट तक हाइट में होता है और ये ज़मीन पे फैलता है। देख लीजिए, इसके गुम्बद जो निकलते हैं ना, वो शाम के टाइम ऐसे झुक जाते हैं और सुबह जैसे ही धूप निकलता है ये सीधा हो जाते हैं। दोस्तों, ये पौधे को आप देख पहचान ही गए होंगे, अगर खास करके वो लोग तो पहचान ही गए हैं जो गांव घर में रहते हैं, क्योंकि यह पौधा बहुत ही कॉमन है, बहुत ही देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज इसी पौधे के बारे में बात करते हैं कि इसके फायदे और इसमें बहुत सारे औषधि गुण होते हैं जो बहुत सारी बीमारी को दूर करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना करिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देख करके आप दोस्तों अपनी जानकारी को आधा अधूरा ही रखते हैं, ताकि आप कभी भी इसके इस्तेमाल करते हैं तो इसका फ़ायदा पूरा नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इसको पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह जो औषधि होते हैं दोस्तों, अस्थमा, बक्षाघात, क्षय रोग और लीवर की सभी बीमारी को दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। दोस्तों, इस पौधे का नाम है द्रोण पुष्पी, कहीं कहीं गुम्मा भी बोलते हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते होंगे तो हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। ऐसे तो दोस्तों, द्रोण पुष्पी जो होते हैं ना, कई प्रजाति में पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, यह जो द्रोण पुष्पी है, इसका सबसे अच्छा कारगर औषधि के रूप में प्रयोग होता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में औषधि गुण भी विद्यमान होता है। इसलिए दोस्तों, सबसे अच्छा औषधि इसी पौधे को माना गया है, द्रोण पुष्पी को, गुम्मा को। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अस्थमा। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है दोस्तों, और बहुत सारे अपने इलाज कराया होगा एलोपैथी या होम्योपैथी से, तो दोस्तों अस्थमा के लिए कारगर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, कारगर अगर देखना है तो जड़ी बूटी की नज़र में तो यह गुम्मा बहुत बेहतरीन होता है, द्रोण पुष्पी। तो उसके लिए क्या करना है, इसका जो पूरे पंचांग के साथ ये पौधे अगर मिल जाए तो आप उसको उठा लें, उखाड़ लें। इसके बाद क्या करें, और इसमें अपामार जिसे चिचिटा बोलते हैं, आप उसका जड़ को इसमें मिक्स कर दें और इसको अच्छी तरह से क्वाथ बना करके अगर आप इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, यह क्वाथ बनाने का तरीका क्या है ना, आप इसका पंचांग को उखाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े करके सुखा करके आप पाउडर बना लें और उसके चिटचिटा अपामार का भी जड़ इसमें मिक्स कर दें और बना करके इसका एक पाउडर बना करके उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, या फिर इसका काढ़ा बना करके सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अस्थमा में बहुत ही बेहतरीन फायदा होता है। इस तरह से आप 10 से 15 दिन कंटिन्यू इसका अगर प्रयोग करते हैं ना, अस्थमा जैसी बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाता है, कितना भी पुराना अस्थमा का बीमारी हो। दोस्तों, यह लकवा के मरीज जिसे कि पक्षघात भी बोला जाता है, अगर किसी को हो गया है या उसका लक्षण दिख गया है तो दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि द्रोण पुष्पी बहुत बेहतरीन औषधि होता है, खास करके लकवा के जैसे बीमारी के लिए। गुम्मा का जो पौधा होता है उसका आप प्रयोग करके उसको छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले ही जानकारी होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको लकवा जैसी बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है इसके द्वारा। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए दोस्तों यह आप द्रोण पुष्पी, पूर्णवा और निरमुंडी और गोरखमुंडी, इस सबको मिला करके आप इसका चूर्ण बना लीजिए या क्वाथ बना करके, और दोस्तों उसमें सरसों का तेल मिला करके अच्छी तरह से पका करके उस तेल से अगर आप लगाते हैं तो लकवा जैसी बीमारी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, लीवर के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। अगर किसी आपके लीवर में किसी तरह की इन्फेक्शन हो गया है या फिर सूजन हो गया है
या फिर किसी भी प्रकार का, जैसे कभी कब्ज की समस्या हो जाता है, या फिर गैस बनने की समस्या हो, या हेपेटाइटिस बी हो, ए हो, या किसी भी प्रकार का समस्या हो, लीवर से लेकर के लीवर में सूजन भी हो जाता है कभी कभी और दर्द भी होता है, तो दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा है द्रोण पुष्पी। इसके लिए द्रोण पुष्पी और भूमि आंवला और मकोई के पौधे सब बराबर मात्रा में ले करके और छांव में सुखा करके इसका पाउडर बना लें और इसका सेवन करें। दोस्तों अगर इस तरह से आप करते हैं तो पेट समस्या सारी समस्याओं को यह दूर करता है। किसी भी प्रकार का पेट में इन्फेक्शन हो उसको दूर करने के लिए पूर्ण ये जो द्रोण पुष्पी है और जो मैंने बताया इसका प्रयोग करें, बहुत बेहतरीन आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों यह कफ पित्त नाशक होता है, जैसे किसी को कफ बन रहा है, पित्त बढ़ गया हो, तो दोस्तों उसके लिए भी यह द्रोण पुष्पी बहुत अच्छा है औषधि है। दोस्तों यह चर्म रोग के लिए भी बहुत अच्छा औषधि है, अगर किसी को जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस या फोरे फुंसी जैसी समस्या हो जाती है तो दोस्तों उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आप क्या करें, इसके रस, पत्ते का रस निकाल करके आप चर्म वाले स्थान पर लगाएँ। दोस्तों यकीन मानिए सुबह शाम आप इस तरह से लगाएं, दोस्तों आपके शरीर से जो चर्म रोग की समस्या है ना, चाहे दांत खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस किसी भी प्रकार का है, उसको दूर करने के लिए ये बहुत बेहतरीन औषधि है। तो यह गठिया जैसे जोड़ों का दर्द या मांसपेशी का दर्द या सूजन में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके रस निकाल करके या पीस करके इसका पेस्ट बना लें और इसके बाद वो जहाँ पर भी गठिया हो, घुटने का दर्द हो, जहाँ पे भी हो वहाँ पे लगा कर इसको मालिश करें, दोस्तों बहुत बेहतरीन फ़ायदा होता है। या फिर इसको पीस करके पेस्ट बना करके उसको उस जगह छाप दें तो बहुत अच्छे काम करता है। तो द्रोण पुष्पी जो गुम्मा होते हैं ना, इसका यह विष नाशक भी होता है। अगर कोई जैसे छोटे मोटे कीड़े, ततैया, बरैया या फिर मधुमक्खी या फिर मकरी या फिर सांप भी अगर काट लिया है ना दोस्तों, तो इसके रस निकाल करके पत्ते ले लें और उसका रस निकाल करके 2 चम्मच की मात्रा में उसको पिलाएं, तो दोस्तों उससे भी विष का प्रभाव कम होता है। या फिर इसके 2 बूंद इसके नाक में टपकाएं, तो दोस्तों उससे भी विष का असर धीरे धीरे कम होता है। 10-10 मिनट फिर एक एक बूंद उसके नाक में टपकाएं, तो उस सांप जैसे जहरीले कीड़े से काट लिया ना, तो उसको भी यह जहर उतारने का काम करता है। और जैसे कि दोस्तों यह कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है, चमत्कारी औषधि है। बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कैंसर का इलाज करा करा करके, तो दोस्तों कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इसका प्रयोग किए हैं और सही भी हुए। तो दोस्तों कैंसर में इसका कैसे प्रयोग करना है, उसके लिए यह द्रोण पुष्पी को जड़ के साथ उखाड़ लीजिए और इसके धूल करके इसको सुखा करके पाउडर बना लीजिए और 20 ग्राम की मात्रा में इसका पाउडर लीजिए और सत्यनाशी कंठकारी का आप पाउडर लें, इसका भी पाउडर आप 20 ग्राम लें, दोनों को बराबर मात्रा में ले करके अच्छे से मिक्स कर लें। के बाद 250 ml पानी लें और उसमें 20 ग्राम दोनों मिक्स करके आप उसमें डाल दें। इसके बाद हल्के आँच पर इसको पकाएँ, जब यह आधा बच जाए तो फिर दोस्तों इसको छान करके इसके बाद उसमें 1 चुटकी भर कत्था डाल दें। इसके बाद गुनगुना बचे पानी तो आप उसको गरारा करें। जी हाँ दोस्तों, गरारा करने से आपके गले के कैंसर जो है ना, उसको यह सही करने के लिए बहुत ही कारगर और दिव्य औषधि है, चमत्कारी औषधि है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों यह बहुत ही बेहतरीन औषधि है, आप इससे गरारा करेंगे तो आपके गले जैसी, मुंह जैसी कैंसर को यह नष्ट करने के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। तो अगर किसी को सरदर्द की समस्या है, जैसे कि अर्ध सीसी बोलते हैं, जैसे कभी आधा कपाड़ी दर्द होता है ना, तो उसको अर्ध सीसी भी बोलते हैं या माइग्रेन भी बोल सकते हैं, तो उसमें भी बहुत इफेक्टिव ये काम करता है, बहुत बेहतरीन औषधि के रूप में काम करता है। उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए बहुत साधारण सा प्रयोग है दोस्तों, द्रोण पुष्पी के पत्ते लें और उसको पीस करके 1 बूंद नाक में टपकाएं, दिन में 2 बार टपकाएं और कम से कम 5-6 दिन कंटिन्यू करें। दोस्तों आपकी जो अर्ध सीसी का जो बीमारी है या फिर सरदर्द की समस्या है उसको दूर करने के लिए यह बहुत ही दिव्य औषधि के रूप में काम करता है। दोस्तों इसको रक्त शोधक भी कहा जाता है, किसी की ब्लड में अगर गंदगी है
या ब्लड के वजह से बहुत सारी बीमारी पैदा हो जाता है शरीर में, तो यह रक्त को प्यूरीफाई करने के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। और रक्त में जैसे गंदगी हो जाता है या रक्त में कोई तरह के दोष हो जाता है, तो दोस्तों उससे बहुत सारे चर्म रोग होने लगते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन होने लगते हैं, तो उसको दूर करने के लिए यह बहुत बेहतरीन है। आपका प्रयोग कैसे करना है उसके लिए मैंने जैसे बताया था ना आपको काढ़ा बनाने के लिए, उसी तरह आपको काढ़ा बनाना है। इसके पूरे पंचांग को ले आएँ और उसको सुखा करके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, और इसके बाद आप क्या करें इसका काढ़ा बनाएं। जैसे कि 250 ml में पानी में 20 ग्राम की मात्रा में इसको डाल दें, और इसको क्या करें तब तक उबालना है जब आधा बच जाए, तो इसको छान करके आप उसका सेवन करें। दोस्तों आपके जो रक्त संबंधी कोई भी समस्या हो ना, उसको यह दूर करने के लिए द्रोण पुष्पी बहुत ही बेहतरीन औषधि है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो दोस्तों एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, इसलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज हमने बताया द्रोण पुष्पी के कुछ फ़ायदे के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिसके वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई औषधि के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।